हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोम। मैं तो अभी मैं रक्षाबंधन गुड़िया के नागपंचमी वाले दिन मैं यहाँ अपने मायके आई थी और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल फिर से। और ये मैंने मेहंदी लगाई है, ये मैंने खुद से लगाई है मेहंदी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी मेहंदी वो भी बताइएगा। और यहाँ पे सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी तैयारी हो चुकी है। और अभी मेरे जो देखते हैं कौन आ रहा है मुझे लेने। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो सो रही है और ये मेरा सारा सामान, इतना सारा सामान हो चुका है। और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या तैयारी हो रही है। और आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये सारा मेरा सामान है जो कि मैं अपने ससुराल लेके जाने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं इतना सामान लेके नहीं आई थी, लेकिन जब अपने घर आओ ना कुछ चीज़ें मिल ही जाती। और मम्मी ने भी सामान दे दिया था, इस वजह से सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं सारे सामान को एक तरफ साइड करके इकट्ठा कर रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ सामान भूल जाऊँ, क्योंकि सारे सामान भी इम्पॉर्टेंट हैं और भूल जाओ तो फिर कब आना होता है कब नहीं। कभी कभी तो 6-7 महीने लग जाते हैं आने जाने में, तो सामान सारा रखा रह जाता है और याद भी नहीं रहता। इसलिए मैं सारे सामान इकट्ठा करके रख ली थी। उसके बाद मैंने खाया खाना। खाना खाने के बाद मेरे ससुराल से मेरे देवर जो थे वो आ गए थे मुझे लेने और मेरी विदाई होने लगी थी। तो ये जो कोच का चावल है ये हर बेटी को दिया जाता है मायके की तरफ से, तो वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया। और फिर उसके बाद सबसे मिलने के बाद मैं निकल चुकी ससुराल। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोग अपने मायके से कब आए हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मायके से आने का किस किस का मन नहीं करता ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली नए रील्स पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए।